उल्लू कौआ तो रात में उल्लू दिन में कौआ जो है सर्व को इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन पराई स्त्री के चक्कर में अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे, अजगर बन गई है। महाराज इन्हीं के पुत्र हुए महाराज याति। एक दिन की बात है, देवयानी जो है बोली है, शर्मिष्ठा आज बड़ी गर्मी है, तीन चार बार सुबह से स्नान कर चुकी हूँ, लेकिन आज बड़ी गर्मी हो रही है, चलो तालाब पर स्नान करने के लिए चलते हैं, क्योंकि तालाब का जल जो है इतना शीतल है कि एक बार स्नान कर लो तो सर्दी सी लग जाती है, बड़ा शीतल जल है, चलो आज वहाँ स्नान करने के लिए चलते हैं। तो आज इधर सभी बीवियां जो है स्नान करने के लिए तालाब पर पहुंची हैं। अब इधर क्या देखा कि तालाब में स्नान कर रही हैं, खेल कूद कर रही हैं। तब तक क्या देखा है कि उधर से भगवान भोले बाबा जा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा को शर्मिष्ठा ने देखा, बोले देवयानी भोले बाबा जा रहे हैं, एकदम से निकलो और वस्त्रों को पहन लो। तो देवयानी बोली ऐसा करो, डुबकी इसी तालाब में लो लो, तब तक निकल जाएंगे। शर्मिष्ठा बोली भोले बाबा की आदत को तो तुम जानती हो, कहीं यही समाधि लगा गए तो जब पानी में डुबई डुब करके रह जाइयो, दासा एकदम से निकलो। सभी लड़कियां निकली अपने अपने वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्रों की अदला बदली हो गई। देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए और शर्मिष्ठा के वस्त्र जो थे देवयानी ने पहन लिए। एक दूसरे के वस्त्र जब पहने हैं, आज इसी समय जैसे ही शर्मिष्ठा ने जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखा देवयानी, तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, बोले धोखे से पहन गए, हम मैं उतारे दे रही हूँ, तुम मेरे वस्त्र दे दो, हम अपने पहन ले, तुम अपने पहन लो। तू एक भीख मांगने वाले ब्राह्मण की लड़की होकर तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, अरे तेरा बाप जो है कुत्ता कौवा की भांति आस लगा करके बैठता है दरवाजे दरवाजे पर, और तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, तेरी इतनी हिम्मत
अब वहाँ खेल कूद तो सब बंद हो गया, झगड़ा होना प्रारंभ हो गया, झगड़ा होने लगा। तो जैसे ही सर्वेष्टा ने देवयानी के तमाचा दिया और नए खून की बिटिया बहु हती डंडो बाग बनाई हो सो बाग तार से तमाचो दो। अब तो महाराज दोनों हाथ पकड़े पीछे था कुआ, कुएं में धकेल दिया, देवयानी जो थी कुआ में गिर जाती है। अब जैसे ही देवयानी कुआ में गिर गई, सभी लड़कियां लौट करके पुनः वापस आई हैं। अब देवयानी कुआ में पड़ी रही, पूरी रात हो गई चिल्लाते चिल्लाते। तब तक घर से महाराज आती उसी कुआ के नजदीक से निकले हैं। क्या देखा? इधर देवयानी ने जब घोड़ा के टापों की आवाज सुनी है तो आवाज लगाई है, देवयानी आवाज लगा रही है। क्या घोड़ा काले पठोई आवाज लगा रही है देवयानी कुआ के अंदर से। अब महाराज यात्री